नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम जिस मैच के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, थर्ड T20 मैच है। मैच हमारा आज रात को 8 बजे स्टार्ट होगा। 7:30 पे टॉस होगा। प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जा रहा है ये। किसी भी GL को विन करने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, जैसे कि पिच रिपोर्ट, टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस, पॉसिबल 11, प्लेयर रिसेंट रिकॉर्ड। इन चार चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हो तो आप एक अच्छी GL टीम बना सकते हो, जो कि GL में आपको एक अच्छा रैंक ला सकता है। पिच रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे स्पिनर को अधिक मदद मिलेगी, तो उसी के अनुसार आप टीम बनाएं। पॉसिबल 11 आप चेक कर सकते हैं इंडिया की और श्रीलंका की। बाकी की टीम टॉस के बाद अनाउंस होती है, अगर कोई चेंज होगा तो आप उसमें कर सकते हो। इंडिया के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे शिखर धवन हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, संजू सैमसन हैं, बट वो अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आज के मैच में वो एक अच्छी इनिंग खेलें। श्रीलंका के कुछ की प्लेयर हैं, जैसे कि हमारे धनंजय हैं, चमीरा हैं, धनंजय डिसिल्वा हैं, फर्नांडो हैं, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको मैच में अच्छा रैंक ला सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव को भी आप अपनी GL टीम में रख सकते हो। आपकी हेल्प के लिए कुछ कॉम्बिनेशन है, इनको आपने रोटेशन करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन में। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि GL में आपको एक अच्छा रैंक ला सके। कोलंबो की जो पिच है, बैटिंग के लिए डिफ़िकल्ट है और बॉलिंग के लिए अधिक हेल्प है। स्पिनर को अधिक हेल्प मिलेगी, तो उसी के अनुसार अपने टीम बनानी है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, इनको आप रोटेशन कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन में। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो कि GL में आपको एक अच्छा रैंक ला सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।